नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, केआरसी टाइम के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह। अंगदान एक महान कार्य है, प्रधानमंत्री ने कहा। राहुल गांधी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, प्रियंका का सवाल। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने आज पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता आज देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में सत्याग्रह पर बैठे हैं। कई राजनीतिक बुद्धिजीवी और व्यक्ति उनके समर्थन में आ गए। नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके लोकतंत्र की हत्या की गई है। राहुल गांधी दुनिया के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से स्नातक हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें लोगों के बीच पप्पू के तौर पर स्थापित करने में जुटी है। प्रियंका गांधी ने यह टिप्पणी आज राजघाट पर कांग्रेस के सत्याग्रह समारोह में की। उन्होंने प्रधानमंत्री पर कड़े शब्दों में हमला करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चीजें की जा रही है, एक के बाद एक सरकारी संपत्तियां बिक रही है। अडानी के खिलाफ कुछ भी कहने पर प्रधानमंत्री बहुत खफा हो गए। अडानी के खिलाफ कुछ भी कहने से राहुल गांधी को रोकने के लिए उनकी सदस्यता रद्द की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगदान को बड़ा दान बताया है। उन्होंने विभिन्न अंगदाताओं से मुलाकात की और टिप्पणी की कि मृत्यु के बाद मानव अंगों का कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन इन मानव अंगों से दूसरे लोगों को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने टिप्पणी की कि अंगदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल भ्रष्टाचार उन राज्यों में हुआ जहां कांग्रेस की सरकार बनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कर्नाटक में एक चुनावी सभा में कहा कि जब भी कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आई, इस स्टेट को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि कांग्रेस को भ्रष्टाचार के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने कर्नाटक के लोगों से आगामी चुनाव में बीजेपी को वोट देने का आग्रह किया। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती लवलीना बोरगोहाई ने। वियतनाम की अपनी प्रतिद्वंद्वी को हराकर यह सम्मान हासिल किया। भारत में खेल के क्षेत्र में निसंदेह यह एक ऐतिहासिक खबर है। यह पहली बार है जब किसी भी भारतीय ने विश्व मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप जीती है। एक्ट्रेस जया प्रदा ने आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह केवल नरेंद्र मोदी के लिए पूजा कर सकती हैं। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए केआरसी टाइम्स के साथ। नमस्कार।